बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चाइनीज कॉलर की डिजाइनिंग, उसकी कटिंग, उसकी स्टिचिंग। तो ये है ए लाइन फ्रॉक, इसके ऊपर हम बनाएंगे चाइनीज कॉलर गला। आपके साथ मुकम्मल वीडियो शेयर करूंगी। ये बहुत ज्यादा रेगुलर है, पहनने में बहुत ज्यादा एलिगेंट लुक देता है और बनने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये गला हम किस तरह बनाकर रेडी करेंगे। तो ये है मेरी शर्ट को मैंने इस तरह आधो आध किया हुआ है। इसकी मैं कटिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। फिलहाल हम इसे करेंगे साइड। मैंने ये कॉलर बनाकर रेडी कर लिया है। मैं आपके साथ इसकी लंबाई और चौड़ाई शेयर करूँगी। ये एक इंच चौड़ा मैंने बुकरम लिया था, जिसे मुख्तलिफ धागों से मैंने सिलाई लगा ली है। जो कढ़ाई इसके बीच में आ रही थी, वही दो धागे मैंने चूज़ करके इसके ऊपर सिलाई लगाई है। ऑफ वाइट है, डार्क ब्राउन है और इसके आगे मैंने की है बूट पाइपिंग। तो ये रेडी हो गया है। इसके नीचे मैंने लगाया है रेगुलर बुकरम। आप चाहें तो जीरो का बुकरम भी ले सकते हैं, या ये वाला गला आप लेस के ऊपर भी बना सकते हैं। इसकी चौड़ाई तो है एक इंच और इसकी जो लंबाई है पट्टी की, ये मैं आपको नाप के बता देती हूँ। इसकी लंबाई है 46 इंच। तो ये कॉलर हमारा बनने के लिए रेडी है, यानी कि इसकी जो पट्टी है वो मैंने बनाकर तैयार कर ली है। सिर्फ आपने करना कुछ इस तरह है, इस पट्टी को इस तरह सीधा करना है और हल्का सा प्रेस की मदद से इसे राउंड शेप देनी है, बहुत मामूली सी, ज़्यादा नहीं। इससे आपकी जो गुलाई है ये अच्छे से बैठ जाएगी। इस तरह हम इसे सेट करके देखेंगे। तो हम ये जो गला बनाएंगे चाइनीज कॉलर, ये तले ऊपर वाला बनाएंगे, यानी कि ये जो हमारी पट्टी है ये इसके ऊपर आएगी। आप चाहें तो इस पट्टी को इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि आमने सामने टक्कर पर भी बना सकते हैं, मगर हम ये गला बना रहे हैं इस तरह तले ऊपर वाला। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मैं आपके साथ ये वाले गले की भी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, मगर फिलहाल हम इसे इस तरह बनाएंगे। इसकी कटिंग मुख्तलिफ होगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम 6 इंच चौड़ा गला बनाएंगे। तो 6 का हाफ है 3 इंच। मैं एक निशान लगाऊंगी 3 इंच पर और एक निशान में लगाऊंगी इसका 8 इंच पर। और जितनी हमें इसकी स्लिट उतारनी है उसका हम निशान लगाएंगे। तो मैं इसकी स्लिट उतारूंगी 17.5 इंच पर। एक निशान हम 17.5 इंच पर लगा देंगे। सबसे पहले इसके नीचे हम बुकरम लगाएंगे। कटिंग करने से पहले हम बुकरम लगाएंगे। तो ये मैंने लिया है एक बुकरम का पीस, जिसकी चौड़ाई है 2 इंच और जिसकी लंबाई है 1.5 इंच। इसे हम इस निशान के ऊपर लगा देंगे। तो एक बार फिर हम 17.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हमारी जो पट्टी थी वो थी 1 इंच की, तो हम निशान लगाएंगे 1/2 इंच पर। और इसे स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। और अब हम जब कटिंग करेंगे तो हम अपनी चॉक के ऊपर कटिंग नहीं करेंगे, स्टिचिंग का कपड़ा छोड़कर हम कटिंग करेंगे।
अब इसे गरारी की मदद से थोड़ा सा निशानों को डार्क कर देंगे ताकि जो दूसरा साइड का निशान है वो हमें इसकी मदद से नजर आए। जो गरारी है वो हम अपनी चौक के ऊपर चलाएंगे क्योंकि जो हमारे चौक का निशान है वो हमारा फाइनल निशान है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने सिलाई में दबाव के लिए छोड़ा है। अब इसके साथ हम अपना बैक जोड़ेंगे यानी कि बैक का पल्ला। तो ये है हमारा बैक साइड, इसके ऊपर रखेंगे हम फ्रंट साइड। इस तरह हम यहाँ पर एक कुटका लगा देंगे, इससे हम जब इसके ऊपर पट्टी लगाएंगे तो वो बहुत आसानी से टर्न हो जाएगी इस तरह कुटका लगाने से। तकरीबन आधे इंच पट्टी हम नीचे की तरफ एक्स्ट्रा निकालेंगे, उसके बाद इस पट्टी को इस तरह खोलेंगे और इस पट्टी को इसके अंदर छुपाएंगे। और हम इतना दबाव रखेंगे जितना हमने निशान लगाया था, और ये गरारी का निशान हमें बता रहा है कि ये दूसरे साइड का निशान है और चौकिंग का निशान ये वाला है, गरारी का निशान ये वाला है। तो गले के ऊपर मैंने ये पट्टी लगा ली है, अब हम इसे इस तरह करेंगे, इस पट्टी को नीचे करेंगे और इस वाली ऊपर वाली पट्टी को इसके ऊपर कर देंगे नीचे इस तरह। और ये काम बहुत ही तहमुल के साथ करना है क्योंकि इसमें जल्दबाजी नहीं करनी आपने, जितना स्लो स्लो करेंगे उतना ही परफेक्ट आपका ये गला बनेगा चाइनीज कॉर्नर। ये देखिए तकरीबन 80 से 90% लुक तो इसकी निकल कर आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको बस फाइनल सिलाई लगानी है, इसे हम इस तरह सेट करेंगे। और मैंने आपको इस वीडियो में ये वाला गला सिखाया कि इसके जो अंदर के सिरे हैं ये साथ साथ ही नीट होते गए हैं। अब हम इसे प्रेस करेंगे, प्रेस करके इसको सेट करेंगे। हम निशान लगाएंगे इसका 7.5 इंच पे जितना हमें गला बंद करना है। इसे हम इसके ऊपर इस तरह सेट करके अब इसके ऊपर हम फाइनल सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे सिलाई लगाएंगे यानी कि इनके दोनों सिरों को हम बंद करेंगे। और बुकरम लगाने से ये फ़ायदा हुआ कि हमारा जो गला था वो खुला नहीं, जो साइज़ हमने रखा था वही साइज़ बन के रेडी हुआ है। अब हम जो इसकी फाइनल सिलाई लगाएंगे वो हम लगाएंगे पाइपिंग के साथ, पाइपिंग के ऊपर नहीं लगाएंगे वरना हमारी पाइपिंग की सारी फिनिशिंग आउट हो जाएगी।
तो सिलाई मैंने लगा ली है, अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरा चाइनीज कॉलर वाला गला बनकर हो गया रेडी। आपके सामने है इसकी लुक, कितना ब्यूटीफुल और कितना एलिगेंट लग रहा है, और मैंने कितने आसान तरीके के साथ आपको ये गला बनाना सिखाया है। बस एक पट्टी मैंने तैयार की थी, उस पट्टी को मैंने पूरा ओवरऑल घुमा दिया है। साइजिंग आपके साथ मैंने शेयर की है, ये साइज है मीडियम। अगर आपका लार्ज है तो आप अपने उसके हिसाब से सिर्फ यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो सारी साइजिंग होगी ये यही होगी, इसको आपने नहीं छेड़ना है। और इसकी जो लुक है ये बहुत हसीन लगता है बनने के बाद और पहनने के बाद। तो ये जो हमारे सर्दियाँ होती हैं, जो विंटर के ड्रेसेस होते हैं, उसमें इस तरह के जो बंद गले होते हैं वो ज़्यादा रनिंग में होते हैं। आप सबने इस गले को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ही अच्छे से कमेंट के साथ मुझे बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, आज का ये गला कैसा लगा। बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी कि आप हमें चाइनीज़ कॉलर गला बनाना सिखाएं अपने अंदाज में। तो डियर ये मेरे अंदाज में था ये गला, आप सबने सीख लिया होगा। आप सबने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है और हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा प्यार देना है जैसा कि आप सब हमेशा देते हैं। मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम को लाजमी फॉलो करना है, मेरे सेकंड चैनल को भी जाकर इतना ही प्यार इतना ही सपोर्ट देना है जितना आप इस चैनल को देते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।